ओके अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पे, सेकेंड मेथड का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उससे भी इजी मेथड है। पहला जो मेथड हमने आपको बताया था उससे भी इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम लोग कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का लफड़ा नहीं पालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू चार्ज के वजह से कितना होगा, अगर ये डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू चार्ज के वजह से पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डी ही स्मॉल ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, है ना, ये एलिमेंट्री पोटेंशियल है। एलिमेंट्री पोटेंशियल डी वी 1/4πε0 डी क्यू बाई जेड। डी क्यू क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है और यहाँ से जेड डिस्टेंस इतना है, ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। तो पूरा डी क्यू पूरा को जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। पूरे को इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, तो पूरा वैल्यू इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट फाइंड करना है तो आप इस तरह से भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। अगर माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स अगर वैल्यू अगर कैलकुलेट हो जा रहा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन आराम से फाइंड कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स वेरी करेगा, डी वेरिएबल यही वेरिएबल रेडियस कॉन्स्टेंट, तो इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो। माइनस साइन लिखेंगे 9×10⁻⁹, ये हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो आया हुआ था जो पहले से लिख रहे हैं ना, ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी थी तो हमने इस तरह से लिखा। फिर हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अगर ये ऊपर चला जाए -1/2 तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा, उससे माइनस करेंगे तो -3/2, तो ये आपका नीचे में वैल्यू जो आ जा रहा है वो कितना आ रहा है, r² x² 3/2 आ रहा है। ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ रहा है 2x, और ये पावर जो था वो कितना था -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी, ठीक है, -1/2 ऊपर में, ऊपर से लेंगे 1/2 तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना होगा यहाँ पे 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आ रहा है ये कितना आ रहा है 9×10⁹ q/r² + x² 3/2 × x। देखिए सेम टू सेम आ रहा है, काफी इजी मेथड है ये, काफी आसान है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, सबसे आसान मेथड है ये डी बाई डी एक्स या डी बाई डी आर, इस मेथड से आप यूज करोगे तो आराम से आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह फाइंड कर सकते हो। बाद वाले केसेस मैंने आपको बता चुका हूँ, कैसे बताया था मैंने, है ना, उसको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में आप क्या करोगे कि एक हाफ रिंग है ना, एक चार्ज रिंग हाफ है और उसके एक्सिस के अलोंग, है ना, अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप एक चार्ज रिंग मान लेना, है ना, और एक्सिस के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, और इसका टोटल चार्ज जो है कैपिटल क्यू है, और एक्स डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ये हाफ सेमी रिंग है ना, ये क्या है भाई, सेमी रिंग है, तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर आप क्या करोगे, रिंग का क्वार्टर बना लोगे, ये पहले आप फाइंड कर लेना, फिर इस पर रिंग का क्वार्टर बना लो, है ना, रिंग का क्वार्टर बना दिया हमने, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू वाट क्या होगा, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू वाट। तो उस दोनों कहानी में आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपका बेसिक क्लियर हो जाए इसलिए मैंने इतना सारा चीज बताया, ओके। चलिए ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, तो एक और दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा आंसर बताइएगा, ठीक है, और समझिएगा इसे इसको। मान लो कि ये हॉलो या सॉलिड कंडक्टर है ना, मेटेलिक कंडक्टर है, हॉलो या सॉलिड है, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, है ना, क्या होगा, जीरो होगा, सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन चार्ज अगर है, ये चार्ज है तो सेंटर से लेकर बिफोर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, लेकिन सरफेस के बाहर या सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिफरेंट आ रहा है ना, ये डिफरेंट आ रहा है, तो ये चाहे हॉलो रहे, ये चाहे हॉलो कंडक्टर रहे या नहीं तो सॉलिड कंडक्टर रहे, कहानी बस उतना ही रहेगा, है ना,
हॉलो रहे या तो सॉलिड स्फीयर रहे, कहानी बस उतना ही रहेगा, वही कहानी रहेगी। फिर उसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड जितने सारे कंडक्टर्स हमने पढ़े हैं सबके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब पढ़ते चले जाएंगे। अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो जितने सारे चीजें हैं सब में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ओके, देखो ये आईआईटी 1992 का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस में दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट दिया हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड करना 1 मीटर, जहां पे x इज इक्वल टू 1 मीटर है, y इक्वल टू 0 मीटर है और z इज इक्वल टू 2 मीटर है। आईआईटी 1992 का क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी आपको क्या मिलेगा, है ना, इससे आसान क्या हो सकता है क्वेश्चन। तो इससे कौन सा ऑप्शन, उस जमाने में ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, है ना, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओगे आप तुरंत क्वेश्चन को बता सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इससे भी इजी इजी क्वेश्चन आईआईटी में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे तो काफी आसान है समझना और इसको सॉल्व करना, इसमें कुछ भी माथा बची नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, है ना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको क्या बताया था, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, है ना। तो आर यहाँ पर क्या होगा, एक्स, तो x के रेस्पेक्ट में ही वेरी कर रहा है, तो माइनस डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 8 इंटू एक्स आ जा रहा है भाई, तो x माइनस 8 इंटू एक्स आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस 8 और x की वैल्यू कितनी है, तो 1 मीटर, तो ये आ जा रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सलरेशन, इतना आ रहा है। तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये जो है सही है, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, इसी क्वेश्चन को पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो चलिए ठीक है, अगर मैं इसको y डाल दूं, y स्क्वायर, तो कहानी क्या होगी, आप खुद कैलकुलेट करो, इसका आंसर आप खुद कैलकुलेट करो, है ना। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको सॉल्व करके देखेंगे। ओके, अभी हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप एक चीज जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फ्री स्पेस में वी नॉट है तो किसी मीडियम में कितना होगा, किसी मीडियम में कितना होगा, इतना ही होगा ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीडियम के हिसाब से भी चेंज करता है, ठीक है, चेंज करता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ये हम समझते हैं कि एक हॉलो कंडक्टर है या सॉलिड कंडक्टर है, इसके अंदर में आपने क्या पढ़ा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था, जीरो पढ़ा था। अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो भी, और नहीं है तो भी, अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो भी, अगर ये चार्ज कंडक्टर नहीं है, सॉरी, अगर ये चार्ज कंडक्टर है तो भी और अनचार्ज कंडक्टर है तो भी, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। अंदर में, अंदर मतलब सेंटर पार्ट, सेंट्रल पार्ट या कहीं भी कोई पार्ट, कोई पार्ट को आप उठा लो उस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो आ रहा है, इनसाइड में या सेंटर पे या सेंटर पर, तो कहानी क्या हो रही है, कहानी में क्या हो रहा है। अगर ये अंदर में या सेंटर पे इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो आ रहा है तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता क्या है, माइनस डी वी बाई डी आर। अगर ये इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, जीरो। पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब वी क्या है, कांस्टेंट। वी क्या है, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट है तो सेंटर पे उतना ही होगा, हर जगह सेम होगा। किसी कंडक्टर का चाहे हॉलो हो, ये कंडक्टर चाहे हॉलो रहे चाहे ये क्या रहे, सॉलिड रहे, अगर ये चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और चार्ज कंडक्टर नहीं है तो भी कांस्टेंट होगा, जीरो होगा। तो कांस्टेंट का दो वैल्यू होता है, जीरो और एक होता है दूसरा वैल्यू, जो चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या लिखेंगे, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लिख सकते हैं
कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज इक्वल टू आर। अगर ये जीरो आ रहा है इसका मतलब कंडक्टर क्या था, अनचार्ज था। क्या था भाई? अनचार्ज। पोटेंशियल अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब कंडक्टर क्या था, अनचार्ज। अगर पोटेंशियल इतना आ रहा है, जीरो नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, अनचार्ज। सिंपल केस हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। जबकि ऐसा भी हो सकता है, आगे हमको पढ़ना है कि कैपेसिटर जब हम लोग पढ़ेंगे तब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कंडक्टर्स का पोटेंशियल जीरो होता है। जब अर्थिंग करते हैं तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है लेकिन उसके ऊपर चार्ज इक्वल टू जीरो नहीं रहता है, ऐसा भी होता है, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है जी। तो पोटेंशियल अगर जीरो है इसका मतलब नॉर्मली अगर मैं समझूँ, अर्थिंग से कोई लेना देना भी नहीं है, तो अगर मैं नॉर्मली समझूँ पोटेंशियल अगर जीरो है तो कॉन्स्टेंट मतलब दो ही वैल्यू, या तो जीरो होगा या तो ये वैल्यू होगा। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब कंडक्टर क्या है, अनचार्ज है। अगर ये है तो चार्ज है, ये इक्वल टू जीरो नहीं है। तो पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल का रेडियस हिसाब से अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ तो प्लॉट होगा ही, है ना। पहले इसको समझना होगा, ठीक है, हमें क्या होगा पहले समझना होगा। तो चाहे आप देखो, चाहे आप रिंग मानो, चाहे आप होलो कंडक्टर मानो, कुछ ही मानो, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगा। क्यों होगा वह जीरो? यहाँ देखिए, चार्जेस जो है सब यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई दिक्कत है, चार्जेस यहाँ पे ज्यादा होंगे और सेपरेशन क्या है कम है, और यहाँ पर क्या है, चार्जेस कम है ना, चार्जेस जो भी है और सेपरेशन क्या है, ज्यादा है। तो उस केस में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इस बात को आप लोग याद रखिए कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। अगर चार्ज नजदीक में है, कुछ डी क्यू चार्ज अगर मैं बात करूँ, अगर नजदीक में है ना, सेपरेशन अगर बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू है तो इसमें भी आप देखिए बहुत सारे चार्ज इधर है, चार्ज के बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अब बचे हुए चार्ज की वैल्यू ज्यादा है लेकिन सेपरेशन क्या है कम है। तो उस हिसाब से क्या होगा, ये चार्ज कम, इसमें चार्ज क्या कम है, सेपरेशन ज्यादा है, इसमें क्या होगा, चार्ज ज्यादा सेपरेशन भी ज्यादा। तो दोनों केस में आप लोग क्या देखोगे, इस केस में देखोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर में क्या हो रही है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो आ रहा है ना, तो जीरो अगर आ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट है। फॉर्मूला देखिए, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है। अगर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, मतलब पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, तो ये जो कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर हो, वो इक्विपोटेंशियल कहलाता है। इक्विपोटेंशियल कंडक्टर्स, है ना, ये जो इक्विपोटेंशियल है वो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं इक्विपोटेंशियल? ए कंडक्टर विच हैज इक्वल पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स एट इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल हो, ऐसे ऐसे कंडक्टर्स को, सरफेसेस को हम इक्विपोटेंशियल कहते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। एक कंडक्टर के अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने समझ लिया, अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल जो होगा चार्ज कंडक्टर का, याद रखिएगा, फॉर चार्ज कंडक्टर, अनचार्ज का तो जीरो बता दिया मैंने, फॉर चार्ज कंडक्टर का मान लो चार्ज क्यू है ना, तो उसका जो पोटेंशियल सेंटर पर है वही उसके इनसाइड अंदर में भी होगा और वही सरफेस पर भी होगा, और वो कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r, ये वैल्यू, ठीक है, ये इतना ही वैल्यू। पूछोगे कैसे आया भाई, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आखिर है क्या, कॉन्स्टेंट वैल्यू हम लोग कहाँ से लाएंगे, क्या सोच के ला रहे हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू हम लोग कहाँ से सोच के ला रहे हैं? तो आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक कंडक्टर, मैंने आपको बोला कि कंडक्टर का पोटेंशियल सेम है, मतलब यहाँ सरफेस से लेकर अंदर तक इसका पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा किसी भी कंडक्टर का, अगर अर्थिंग उसके अर्थिंग से नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है, मैं अलग कहानी में बताऊंगा। कैपेसिटर जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। यहाँ आप इतना समझो कि पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, लेकिन अंदर में तो आप पोटेंशियल बता दिए कि कांस्टेंट है, लेकिन बाहर की बात मैं करूँ, चार्ज कंडक्टर अगर मैं बाहर की बात करूँ, अगर ये कंडक्टर है, अगर मैं बाहर की बात करूँ, एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूँ,
एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूं जिसकी वैल्यू x है और x जो है ग्रेटर देन r मान लूं, उस कहानी में क्या होगा, उस कहानी में क्या होगा कि पोटेंशियल एट p पॉइंट पे पोटेंशियल अगर फाइंड करनी है तो कैसे होगा, कैसे समझेंगे इस चीज को। तो हमने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कैसे होता, क्या होता था एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिहर करता था कि पूरा का पूरा चार्ज उसके सेंटर के पास चला जाएगा। अगर चार्ज क्यों है तो पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो अब ये सेंटर पे एज्यूम करके चलेंगे तो पूरे सेंटर पे जो चार्ज आ गया है इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पोटेंशियल आप आराम से फाइंड कर सकते हैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन एक्स, ये हम आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इतना है। अगर ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे के है, इस मीडियम के बाहर अगर के है तो यहाँ पे आप के का वैल्यू लिख सकते हो और इसको चेंज करें कुछ इस तरह से लिखते हो क्यू अपॉन 4 पाई परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इंटू एक्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलिए तो ये हमने आपको बताया तो पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा। तो ये कहानी आपको होलो कंडक्टर में भी है, सॉलिड कंडक्टर में भी है, रिंग में भी है, हर जगह सेम सिचुएशन आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीजें मैंने आपको बताया तो आपके मैं ये सोच रहा हूँ आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, है ना। अगर मैं रिंग की बात करूं रिंग में भी वही कहानी होती है, तो रिंग के सेंटर में भी उतना ही पोटेंशियल लगा, इसका चार्ज क्यू है और ये रिंग है, अगर ये रिंग है तो इसके सेंटर पे जितना पोटेंशियल उतना सरफेस भी होगा। लेकिन आप कहानी को मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ ये कि मैं इसको सेमी रिंग बना दूँ तो अब इसके सेंटर पे इसका पोटेंशियल बताओ कितना होगा, और ये जो रिंग है हाफ रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, है ना, रेडियस आर है, तो उसके जगह पोटेंशियल आप बता सकते हो क्या, इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा क्या बता सकते हो, काफ़ी आसान है बताना। यहाँ पर डी क्यू चार्ज ले लो, है ना, या किसी भी पॉइंट पे डी क्यू चार्ज लेते हैं, है ना, और उससे ये डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट ही है भाई, तो पोटेंशियल डी वी स्मॉल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू के, और इसके बाद ये क्या है आर, डिस्टेंस तो सबका सेम है, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज इतना आ रहा है तो लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू के आर, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग सरफेस पे सेंटर पे निकाल सकते हैं, डी क्यू से यहाँ पे सेंटर पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यू चार्ज क्या है, टोटल चार्ज, और यहाँ से डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इस तरह से भी सेमी रिंग का भी पोटेंशियल हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और क्वार्टर रिंग का भी आराम से फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, स्केलर क्वांटिटी है, आराम से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग फॉर्मूला होगा, ओके।